जैसा कि हम बात कर रहे थे तो पहले मैं ये रेस कर देती हूँ, बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की। ठीक है, जैसे लॉ है, अब कोई भी लॉ है उस लॉ के भी अंडर बहुत सारे लॉ होते हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में ये जो 1 मिनट की वीडियो है इसमें हम जानेंगे। तो लॉ के अंदर सबसे पहले दो क्लासेस आते हैं, इंटरनेशनल लॉ वर्सेस नेशनल लॉ। नेशनल लॉ जो हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं, इंटरनेशनल लॉ जो बाहर के होते हैं, मतलब बाहर से भी रिलेट होते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में दो आते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वर्सेस प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, एंड इन नेशनल लॉ में आता है पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ में और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में कुछ भी इनके अंदर नहीं आता है, लेकिन पब्लिक लॉ में और प्राइवेट लॉ में आता है। पब्लिक लॉ में हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ जो क्राइम करते हैं, जैसे जो खून वगैरह करते हैं, क्रिमिनल लॉ, और सिविल लॉ। ठीक है, तो इनमें भी अब दो दो चीजें। अब क्रिमिनल लॉ में सिर्फ एक चीज है, इंडियन पिनल कोड, और सिविल लॉ में हमारी दो चीजें हैं। ठीक है, वैसे ही प्राइवेट लॉ अगर आप देखोगे तो इसमें दो चीजें हैं मेन, जो इस टॉप ऑलमोस्ट ये टॉपिक आते ही आता है, हिंदू लॉ वर्सेस मुस्लिम लॉ, ये दो आते हैं। ठीक है, और बाकी हम ये सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर करेंगे, और मिलते हैं बाकी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।